Hello students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 14. Read the telephonic talk between two friends twice. आपको नीचे जो है telephonic talk दे रखी है, वार्तालाप दे रखी है, बातचीत दे रखी है दो friends के बीच में. तो आपको दो बार twice, two times आपको पढ़नी है. इससे आपकी spoken English develop होगी. जैसे friend का नाम है मीना. गुड इवनिंग रीना, हाउ आर यू. तो मीना अपनी फ्रेंड रीना से बातें कर रही है, तो सबसे पहले हम विश करते हैं गुड इवनिंग रीना. फिर उसका हाल चाल पूछा, हाउ आर यू, तुम कैसे हो. तो रीना ने क्या रिप्लाई दिया, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ. मीना, व्हाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल टूडे, आज तुम स्कूल क्यों नहीं आई थी. रीना, आई एम हेल्पिंग माई मदर इन क्लीनिंग एंड डेकोरेटिंग माई हाउस फॉर दीपावली. मैं मेरी मम्मी की हेल्प कर रही थी क्लीनिंग, सफाई करने में, घर को डेकोरेट करने में दीपावली के लिए. सो आई डिड नॉट कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल नहीं आई. मीना, वेरी गुड रीना, बहुत अच्छा रीना. रीना, थैंक यू डियर, आई हैव रिटन एन अप्लीकेशन, मैंने एक अप्लीकेशन लिखी है. विल यू प्लीज़ गिव माई लीव अप्लीकेशन टू आवर क्लास टीचर, क्या तुम ये लीव अप्लीकेशन हमारी क्लास टीचर को दोगी. मीना, यस आई विल गिव, हाँ मैं इस अप्लीकेशन को दूंगी क्लास टीचर को. तो ऐसे आप जो है टेलीफोनिक आपको इंग्लिश में कन्वर्सेशन करनी है अपनी फ्रेंड से. तो धीरे धीरे आपकी हेजिटेशन ऐसे रिमूव होगी और फिर आपका स्पोकन पार्ट जो है वो अच्छा हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा. ओके, सपोज यू हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम. मान लो, सपोज होता है इमेजिन, कल्पना करो. मान लो कि तुम्हें घर पर जो है बहुत ज़रूरी काम है एंड यू नीड टू बी ऑन लीव, और तुम्हें जो है छुट्टी की ज़रूरत है, छुट्टी पर जाना है क्योंकि घर पे ज़रूरी काम है. हाउ विल यू इन्फॉर्म योर स्कूल, आप अपने स्कूल को कैसे इन्फॉर्मेशन दोगे. अप्लीकेशन लिखोगे ना कि मुझे ज़रूरी काम है तो मेरे को छुट्टी दी जाए, ये बहुत ज़रूरी है वरना आपकी अपसेंट लग जाएगी, क्योंकि स्कूल में तो रोज़ आना चाहिए, हमें पढ़ाई करनी चाहिए. गिवन बिलो इज द फॉर्मेट ऑफ एन अप्लीकेशन, नीचे फॉर्मेट दे रखा है अप्लीकेशन का. अब तो आप कोरोना की वजह से घर पर हो, लेकिन जब रेगुलर स्कूल हो जाएंगे तब आपको जब छुट्टी लोगे तो ये आपको अप्लीकेशन लिखनी है यदि घर पर ज़रूरी काम है, तो इसको लीव अप्लीकेशन कहते हैं, छुट्टी की अप्लीकेशन. फिल इन द ब्लैंक्स बिलो एंड राइट एन अप्लीकेशन, नीचे ब्लैंक्स दे रखे हैं उसको फिल करके आपको अप्लीकेशन लिखनी है, छुट्टी की अप्लीकेशन. तो सबसे ऊपर हमें टाइटल लिखना है, अप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग फॉर टू डेज लीव. ये आपको प्रिंसिपल को अप्लीकेशन लिखनी है आपके स्कूल के प्रिंसिपल को दो दिन की छुट्टी के लिए. ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको ये याद रखना है कि अप्लीकेशन में सारी चीज़ें हम जो है लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, देखो सब लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में जो मार्जिन है वो सारे जो सेम रहना चाहिए. जैसे द प्रिंसिपल, सबसे ऊपर अप्लीकेशन में हम लिखेंगे द प्रिंसिपल. फिर हमें स्कूल का नाम, नेम ऑफ योर स्कूल, आपका स्कूल का क्या नाम है, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2. उसके बाद आपको एड्रेस ऑफ योर स्कूल, कहाँ पर है ये, मॉडल टाउन 3rd, ऐसे लिखना है, दिल्ली के अंदर है ये स्कूल. फिर आपको डेट लिखनी है, डेट लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले डेट, और फिर मंथ का नेम हमें लिखना है 11 नवंबर, कोमा, और फिर हमारी ईयर 2020. या तो आप ऐसे लिखें या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नवंबर 11 2020. आपको मंथ लिखना है, ये बात ध्यान रखनी है. आपको ऐसे नहीं लिखना है 11 11 2020, नहीं, ये गलत तरीका है. आपको मंथ का नेम लिखना है, फिर डेट, फिर कोमा, फिर आपको ईयर लिखनी है. ओके, उसके बाद आपको अप्लीकेशन का सब्जेक्ट लिखना है, लीव अप्लीकेशन फॉर अर्जेंट वर्क, छुट्टी की अप्लीकेशन है ज़रूरी काम के लिए. सब्जेक्ट के बाद फिर आपको सल्यूटेशन करना है, रिस्पेक्टेड सर और मैडम, आपकी तो मैडम है, आपको पता है प्रिंसिपल मैडम है, तो रिस्पेक्टेड मैडम. फिर विद ड्यू रिस्पेक्ट दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू, सहमी निवेदन है, आप हिंदी में भी लिखते हो ना, दिस इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट, तुम्हें सूचित किया, आपको सूचित किया जाता है मैडम को, क्या, दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 6th A, मैं 6th A की स्टूडेंट हूँ. आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम, मुझे घर पर बहुत ज़रूरी काम है,
काइंडली ग्रांट मी लीव, इस ब्लैंक में क्या आएगा, लीव, लीव मतलब छुट्टी, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर टू डेज, दो दिन की मुझे छुट्टी प्रदान करें, फिर वो डेट जिस डेट की आपको छुट्टी लेनी है, 11 नवंबर एंड 12 नवंबर, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप, फिर हमें लिखना है थैंक यू, उसके बाद एंडिंग में हमें लिखना है योवर्स ओबीडियंटली, फिर आपको अपना नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है नीचे आपका नाम आएगा, और फिर क्लास, क्लास क्या है, 6th A। तो आज आपने एप्लीकेशन लिखना सीखा, तो आपको ये एप्लीकेशन लर्न भी करनी है और आपको लिख के भी देखनी है ये एप्लीकेशन, ताकि इन फ्यूचर जब भी आप छुट्टी लो तो आप अपनी एप्लीकेशन लिख कर अपने स्कूल में मैसेज कर दो, अपनी फ्रेंड के हाथ स्कूल में भिजवा दो। तो ओके स्टूडेंट, आज आपको एप्लीकेशन लिखनी आ गई होगी, और आपको ये कन्वर्सेशन आप अपनी फ्रेंड से बात करना, और ऐसे ही बात करना, उससे विश करना, उसका हाल चाल पूछना, हाउ आर यू, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।